बैक टू अनदर वीडियो गाइस, आशा करते हो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई, एक साइड है हम लोगों का इंडियन कार्स का लाइनअप एंड भाई दूसरे साइड है पाकिस्तानी कार्स का लाइनअप। एंड आज हम लोग जो करेंगे भाई, मतलब हम लोग बर्फ में भाई स्नो स्टेयर्स चैलेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों का सीढ़ी है भाई, इधर से हम लोग ऐसे करके भाई चढ़ाएंगे हम लोगों का इंडियन कार्स को एंड पाकिस्तानी गाड़ी को भाई। बहुत ही ज्यादा तगड़ा गेम प्ले होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हम लोगों का स्टेयर्स का भाई लेंथ है भाई बहुत ही ज्यादा लंबी। एंड देखेंगे कौन सा इंडियन गाड़ी एंड पाकिस्तानी गाड़ी भाई यहाँ तक चढ़ पाती है भाई। देख सकते हो आप लोग ओवरऑल एक बार लुक, बहुत ही शानदार लुक है। तो यार आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके सो गाइस, अभी हम लोग लेके चलेंगे इंडिया का महिंद्रा थार 2021 मॉडल। एंड भाई गाड़ी जिस चीज के लिए बनी है ना भाई, वही टेस्ट आज हम लोग करेंगे अपने इंडियन कार के साथ। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब, मतलब एकदम स्मूथ तरीके से भाई साहब गाड़ी यहाँ पर चल रही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने भाई एकदम पीछे से स्टार्ट करके फुल स्पीड में भी नहीं ले आए, एकदम स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। एंड भाई आप लोग देख सकते हो भाई, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करा लेकिन भाई हम लोगों का इंडिया का जो कि महिंद्रा थार है भाई बहुत ही सही परफॉर्म किया यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड फाइनली यहाँ पर हम लोगों का इंडिया का थर्ड विनर लिस्ट पे आ जाती है, यानी इंडिया का भाई एक पॉइंट हो जाती है। ओके सो गाइस, अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान का फोर्ड एक्सप्लोरर को। एंड भाई देखेंगे क्या फोर्ड एक्सप्लोरर भाई यहाँ पर चढ़ पाएगा या नहीं। फिलहाल ओ भाई भाई भाई, भाई यहाँ पर थोड़ा टच हो रही है, लेकिन थार भाई बहुत ही अच्छी तरीके से चढ़ गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, स्नो की वजह से टायर कितना ज़्यादा स्किड कर रही है भाई साहब, बहुत ही तगड़ी स्किड कर रही है। फिलहाल और एक बार पीछे से लेके अभी स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे भाई। ओ भाई यहाँ पर बम्पर लड़ रही है आगे से बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हम लोगों का थार में तो भाई कोई भी जैसा बम्पर से नहीं लड़ा था, बहुत ही स्मूथ तरीके से चढ़ गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत चढ़ रही है स्ट्रगल करते हुए। एंड भाई आप लोग देख सकते हो भाई, स्ट्रगल करते करते भाई बहुत ही नज़दीक भाई मतलब फिर से पीछे आ गया एक गाड़ी से भाई, नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान का फोर्ड एक्सप्लोरर फेल हो जाती है। तो इस गाड़ी को यहाँ पर छोड़ते हैं एंड लेते हैं भाई कोई नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। ओके सो गाइस, अभी हम लोग लेके चलेंगे हम लोगों का इंडिया का महिंद्रा एक्सयूवी 700 को। एंड भाई देखेंगे क्या हम लोगों का एक्सयूवी 700 भाई साहब, आप लोगों ने देखा ओ भाई भाई कैसे चढ़ी भाई, ये तो थार से भी बढ़िया तरीके से चढ़ गया। ओ भाई साहब ये तो जबरदस्त सीन था भाई, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का गाड़ी अटक चुकी है भाई, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो भाई जबरदस्त से हम लोगों का कुछ नहीं होगा, गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ गया। देखो भाई मतलब फिर से तो पीछे ही आना पड़ा गाड़ी को, देखते फिर से भाई। यहाँ पर टायर बहुत ही ज्यादा स्किड कर रही है भाई, हम लोग ऐसे तैसे कैसे गाड़ी को तो भाई ले रहे हैं कंट्रोल पे। एंड इधर से आप लोग देख सकते हो गाड़ी स्ट्रगल करते हुए चढ़ रही है एंड बहुत ही ज्यादा टायर स्किड कर रही है, कंट्रोल करने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है मुझे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हो, लेकिन भाई यहाँ पर गाड़ी हम लोगों का भाई चढ़ नहीं पा रहा। तो भाई हम लोग इसे लास्ट और एक बार रिट्राई दूंगा, क्योंकि भाई गाड़ी एंड तक जाने के बाद भाई सब यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सीन हो रही है। तो इसको फिर से एक बार रिट्राई दे देते हैं, देखते भाई क्या हम लोगों का एक्सयूवी 700। ओ भाई वेट वेट वेट, एक चलो लेट्स गो, अभी देखते भाई एक्सयूवी 700। ओ भाई 700 नहीं 700, यहाँ पर भाई अटक रही है भाई, आप लोग देख सकते हो भाई। फिर से और एक बार देख लेते हैं इधर से। ओके चलो 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 चलो, आई थिंक भाई होना तो बनता है, गाड़ी भाई बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रहा था, लेकिन भाई एंड में जाके वहाँ पर गाड़ी को दिक्कत दे रही है। एंड भाई गाड़ी थोड़ा बहुत भाई वहाँ पर, ओ भाई देख सकते हो आप लोग। एंड भाई फाइनली 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 गाड़ी आ गया विनर लिस्ट पे, मतलब स्ट्रगल करने के बाद गाड़ी भाई, गाड़ी को इतना ज़्यादा हम लोगों ने टाइम दिया क्योंकि गाड़ी भाई एंड पॉइंट तक आ रही था, उसके कारण ही भाई इसको इतना देर तक टाइम दिया। एंड भाई इसे कोशिश किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर इंडिया का देख सकते हो 2 पॉइंट हो गया है एंड पाकिस्तान का तो अभी एक भी पॉइंट नहीं है। तो लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ओके सो गाइस, अभी हम लोग लेके चलेंगे पाकिस्तान का भाई पिकअप ट्रक, जो कि भाई 4x4 है एंड भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर गाड़ी। ओ भाई साहब किधर चल रही है हम लोगों का गाड़ी। ओ हो, हिलक्स को भाई ठीक से फिर से चढ़ाना पड़ेगा भाई, इसका बम्पर खुल गया, गाड़ी किधर से भाई स्किड कर रही है। एंड भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई टायर स्किड करते जा रहा है हम लोगों का गाड़ी, जो कि टोयोटा हिलक्स है। एंड भाई हिलक्स का परफॉर्म भी अभी उतना भी कोई खास नहीं रहा भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी तो भाई चल रही है लेकिन भाई टायर बहुत ही ज़्यादा स्किड कर रही है, आप लोग देख सकते हो बर्फ के वजह से। एंड ये गाड़ी भी भाई चढ़ नहीं पा रहा, तो इस गाड़ी भी फेल हो जाती है। तो इसको भी करते भाई अभी पार्क एंड भाई लेते हम लोगों का कोई नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। ओके सो गाइस, अभी हम लोग लेकर चलेंगे इंडिया का भाई, हम लोगों का कौन सा गाड़ी है भाई मैं भूल गया, हाँ हम लोगों का फोर्ड एंडियोवर है भाई, मतलब इसका भाई। ओ भाई
ओ भाई गाड़ी कितना स्मूथ चला था भाई, मतलब सस्पेंशन टेस्ट में भाई किंग है ये गाड़ी, हम लोगों का इंडिया वर्ड किंग है। तो यहाँ पर भाई टायर स्लीपर की वजह से भाई गाड़ी यहाँ पर चढ़ नहीं पाता, एंड भाई अभी तो चढ़ना बनता है भाई, अभी तो चढ़ना बनता है, एंड फाइनली भाई ये गाड़ी विनर लिस्ट पे आ जाती है। एंड भाई इसे भी करते हैं यहाँ पर पार्क एंड चलते हैं भाई, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हम लोगों का इंडिया का 3 पॉइंट्स हो चुकी है। तो लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ओके सो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान का भाई लैंड क्रूजर, भाई टोयोटा लैंड क्रूजर भाई, बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल कार है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल गाड़ी है भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी का टॉर्क भाई 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 भाई, लेकिन तो चलो चलो चल रही है गाड़ी ऐसे तैसे कैसे, लेकिन भाई गाड़ी तो चल रही है भाई। इसमें भाई पावर है भाई, इतना ह्यूज गाड़ी होने के बाद भी भाई देखो भाई स्टेयर्स में वो भी भाई नॉर्मल स्टेयर्स नहीं है भाई, ये स्नो के वजह से भाई और भी दिक्कत दे रही है। लेकिन भाई यहाँ पर गाड़ी भाई साहब दिक्कत दे देती है भाई, एंड यहाँ पर फिर से हम लोग भाई साहब गाड़ी कंट्रोल पे ही नहीं आ रहा फिर से मुझे भाई, मतलब भाई इसका हेडलैम्प वेडलैम्प सब टूट चुका है। देखते भाई देखो गाड़ी भाई फुल पीछे जा रही है, मैं हैंड ब्रेक को खींच के रखा उसके बाद भी, फिलहाल एक बार पीछे से रिट्राई ले लेते, देखते एकदम फुल पावर के। ओ भाई क्या था ये भाई, भाई क्या था ये भाई, मतलब हम अलग सी भाई इस गाड़ी को पहले भाई सही से पार करते हैं भाई लैंड क्रूजर के लिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई पाकिस्तान का लैंड क्रूजर तो विनर लिस्ट पे आ जाती है, एंड भाई फाइनली पाकिस्तान का 1 पॉइंट हो जाती है। एंड भाई यहाँ पर अभी इंडिया का हम लोग सीडान जो कि होंडा सिटी को लेकर जा रहे हैं, देख लेते हैं भाई होंडा सिटी भाई क्या चढ़ पाती है, नहीं तो यहाँ पर भाई डाउन क्लियरेंस भाई बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। एसयूवी तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से चढ़ पा रही है, लेकिन भाई हम लोगों का जो कि होंडा सिटी है भाई एकदम भाई चढ़ ही नहीं पा रहा है। आप लोग देख सकते हो गाड़ी भाई एकदम यहाँ पर घटिया परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर होंडा सिटी 2022 का ग्राउंड क्लियरेंस भाई बहुत ही कम है, फिलहाल बैक गियर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देख सकते हो गाड़ी भाई चढ़ ही नहीं रहा। तो ये गाड़ी भी भाई फेलियर लिस्ट पे आ जाती है, इसे भी कर देते हैं हम लोग अभी पार्क, चलते हैं भाई। देख सकते हो हम लोगों का सीढ़ी हो जाती है फेल, लेते हैं हम लोगों का कोई नेक्स्ट इंडियन नहीं आई मीन पाकिस्तानी गाड़ी। एंड गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर मैं इंडियन पाकिस्तान दोनों कंट्री को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी कंट्री को मैं यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। तो यार आप लोग कोई दिल पर मत लेना, गेम को भाई एकदम इंजॉय करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि भाई हमेशा की तरह आप लोगों को मैं इंजॉय दे सकूँ भाई, मतलब आप लोग इंजॉय कर पाओ उसके कारण भाई। तो यहाँ पर अल्फा रोमियो भाई, ओहो हो अल्फा रोमियो का टायर भी बहुत ही ज़्यादा स्लीपरी है भाई, यहाँ पर गाड़ी तो चढ़ गया था लेकिन टायर बहुत ही ज़्यादा स्लीपरी है। तो इससे भाई और एक बार ऐसे करके हम लोग फुल, ओ भाई नहीं भाई यहाँ पर टायर बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रही है भाई स्नो के वजह से, फिलहाल हम लोग रिट्राई इधर से फिर से एक बार लेंगे। एंड भाई देख सकते हो गाड़ी का भाई फुल भाई यहाँ पर काम तमाम हो रही है, देख लेते हैं भाई बैक गियर से एक बार उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि गाड़ी भाई चढ़ जाए। ओहो भाई गाड़ी कंट्रोल पे ही नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा देख सकते हो आप लोग टायर स्लीपरी हो रही है। देखो मैं थोड़ा सा गाड़ी को घुमा रहा हूँ, नहीं भाई ये गाड़ी नहीं होगा, सब खोल के निकल रही है, फिलहाल गाड़ी को छोड़ते हैं यहाँ पर, ये गाड़ी भी हो जाती है फेल, लेते हैं हम लोगों का कोई नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। जब हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया का टाटा सफारी 2021 मॉडल को, एंड पर देखेंगे क्या हम लोगों का टाटा सफारी विनर लिस्ट पे आ पाती है या नहीं। फिलहाल ओ भाई ग्राउंड क्लियरेंस चलो उतना भी कोई खास दिक्कत नहीं दी हम लोगों को, लेकिन 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 गाड़ी यहाँ पर भाई साहब हम लोगों को दिक्कत दे रही है चढ़ने में, फिलहाल नहीं होगा, एकदम फुल पावर देके ले जाना पड़ेगा। देखते भाई फुल पावर ले मतलब देने के बाद भी गाड़ी चढ़ नहीं रहा, और एक बार बैक गियर से भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि पीछे साइड से गाड़ी चढ़ पाएगा या नहीं। तो फिलहाल पीछे के साइड भाई ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन भाई ये गाड़ी पीछे साइड से तो चढ़ ही नहीं रहा, आप लोग देख सकते हो भाई टायर बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों का टाटा सफारी 21 मॉडल भी हो जाती है अभी फेल, तो लेते भाई हम लोगों का कोई नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। तो यहाँ पर हम लोगों का भाई आउटलैंडर है भाई, आउटलैंडर को लेकर चलते हैं भाई, इसने शीशा तोड़ के भाई फ्रैंकलिन गाड़ी के अंदर जा रहा है भाई, खुद का गाड़ी है उसके बाद भी भाई फ्रैंकलिन शीशा टूट के भाई, मतलब गजब बंदा है भाई, इसको थोड़ा सही से चढ़ा देते हैं। एंड भाई साहब गाड़ी यहाँ पर चढ़ नहीं रहा, आप लोग देख सकते हो भाई साहब, मतलब बाकी सारे गाड़ी बहुत ही सही तरीके से चढ़ रही है, लेकिन ये सब हम लोगों का गाड़ी चढ़ ही नहीं रहा ठीक से। तो देख लेते हैं भाई 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 बैक गियर से भी नहीं हो रहा, लास्ट हम लोग और एक बार रिट्राई देंगे सामने से। ओ हो भाई इतना ज़्यादा स्लिप कर रही है क्या ही बताओ, मैं मतलब हैंड ब्रेक कर रहा हूँ उसके बाद भी भाई गाड़ी एकदम फिसल के दूसरी गाड़ी को टक्कर मार रही है, देख सकते हो भाई ये गाड़ी भी चढ़ नहीं पा रहा। तो इस गाड़ी को अभी हम लोग कर देते हैं यहाँ पर पार्क,
एंड चलते हैं भाई, लेते हैं हम लोगों का कोई नेक्स्ट गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग लेके चलेंगे स्कॉर्पियो S11। एंड भाई चढ़ने की बात है तो भाई स्कॉर्पियो S11 किसी से भाई मतलब पीछे हटने वाले नहीं है। तो यहाँ पर ओ भाई भाई गजब बिज्जती है, भाई गजब बिज्जती है भाई स्कॉर्पियो। ओ चलो चलो सही है सही है। गाड़ी को थोड़ा यहाँ पर मशक्कत करना पड़ रहा है, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि गाड़ी भाई चढ़ जाएगा ऐसे ही, क्योंकि इसमें जो टॉर्क है भाई बहुत ही ज़्यादा टॉर्क है भाई गाड़ी में, देख सकते हो आप लोग। एंड भाई साहब यहाँ पर गाड़ी भाई 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 चढ़ने की बात आने पे भाई मतलब यहाँ पर दिक्कत दे रही है, आप लोग देख सकते हो गाड़ी को भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है यहाँ पर। देखते हैं हम लोग कैसे इसे चढ़ा पाती है। तो फिलहाल एक बार पीछे कर लेता हूँ मैं, देखता हूँ लास्ट यहाँ पर, और एक बार रिट्राई तो देना बनता है भाई, क्योंकि ओ भाई ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। तो फिर से एक बार रिट्राई देते हैं यहाँ पर, लेट्स गो भाई। अभी भाई बहुत ही अच्छा पार्ट मिल चुकी है हम लोगों को, लेकिन भाई वही सेम चीज़ नहीं भाई, फाइनली 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 यहाँ पर हम लोगों का भाई इंडिया का 4 पॉइंट्स हो जाती है भाई साहब। एंड पाकिस्तान का तो अभी एक ही पॉइंट है भाई, लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ओके सो गाइस अभी हम लोग लेके चलेंगे भाई पाकिस्तान का टोयोटा, भाई कौन सा गाड़ी है, पेराडो भाई, बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है भाई। यहाँ पर देख सकते हो तो गाड़ी भाई चढ़ तो नहीं रहा, देख लेते हैं यहाँ पर रिट्राई तो देना बनता है हर कोई एक गाड़ी को। तो यहाँ पर फिर से हम लोग भाई चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भाई देखो ग्राउंड क्लियरेंस कितना ज़्यादा कम है भाई, मतलब चढ़ने की कोई नाम ही नहीं ले रहा, दूसरे कोई गाड़ी भाई चढ़ जाती है आराम से, लेकिन भाई यहाँ पर पेराडो तो भाई दिक्कत दे रही है बहुत ही ज़्यादा, एकदम भाई मतलब खतरनाक वाली दिक्कत दे रही है। फिलहाल इसे भाई एक बार बैक गियर से देखते हैं भाई क्या गाड़ी चढ़ पाती है या नहीं। यहाँ पर बैक गियर का भी मतलब जो हम लोग का रेयर है भाई उसका भी एक बार देख लेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस भाई बहुत ही ज़्यादा कम है भाई, गाड़ी चढ़ नहीं पा रहा, कितना सारा गाड़ी यहाँ पर फेल हो गई आप लोग देख सकते हो। इसे भी अभी छोड़ते हैं भाई, लेते हैं नेक्स्ट तो भाई इंडियन अभी हम गाड़ी। लोग लेके चल रहे हैं हम लोगों का देसी गाड़ी जो कि है महिंद्रा बोलेरो भाई, मतलब बहुत ही तगड़ा गाड़ी है। देख ओ भाई देखो भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसको कहते हैं भाई मतलब, ओ लेकिन नहीं भाई ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई बहुत ही सही है ऑब्वियसली भाई, रियल लाइफ में भी बहुत ही तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग फुल पावर देके उठाएंगे गाड़ी को ऐसे करके, एंड फाइनली उठ गया भाई, मतलब बहुत ही सही परफॉर्म यहाँ पर किया बोलेरो ने भी। एंड फाइनली यहाँ पर भाई चढ़ चुकी है हम लोगों का गाड़ी, एंड इंडिया का हो जाती है भाई ओके सो फाइनल। गाइस अभी हम लोग लेके चलेंगे भाई पाकिस्तान का होंडा सिविक 2016 मॉडल को, देख लेते भाई 2016 मॉडल क्या चढ़ पाती है या नहीं। तो यहाँ पर भाई एक टायर तो मतलब जो कि यहाँ पर स्टेयर से भाई उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन भाई दूसरा टायर भाई नहीं चढ़ रहा, बहुत ही स्कीड कर रही है। फिलहाल एक बार पीछे से लेके देखता हूँ क्या गाड़ी चढ़ पाती है या नहीं। तो चढ़ जाती है, लेकिन भाई इस गाड़ी की अब बात नहीं है भाई, ये गाड़ी चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि इसका टायर भाई बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, ऊपर से टॉर्क भी बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोगों का कोशिश भाई नाकाम हुआ, तो यहाँ पर इसको भी छोड़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट लास्ट इंडियन गाड़ी जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है हम लोगों के पास टोयोटा फॉर्चुनर लीजेंडर। तो भाई इसे भी ले लेते हैं, देखते हैं भाई क्या हम लोगों का लीजेंडर भी विनर लिस्ट पे आ पाएगा या नहीं। इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस देख लेंगे। ओ भाई मतलब भाई अभी से मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान के भी तगड़ा तगड़ा SUV ले आने के लिए। एंड भाई है हम लोगों के पाकिस्तान के पास भी, देखो भाई कितना सारे SUV है, हिलाक्स है, एक्सप्लोरर है भाई, पेराडो है, आउटलैंडर है भाई, देन यहाँ पर लैंड क्रूजर है भाई, मतलब 6-7 तो इसके पास भी भाई है, लेकिन भाई चढ़ नहीं पा रहा। तो इसमें भाई अभी हम लोगों का क्या ही सीन है भाई, कोई भी मसला नहीं है भाई गाड़ी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना कौन सा SUV बेस्ट है पाकिस्तान का, मैं ले आने की कोशिश भाई। तो करूंगा। आप लोगों ने देखा हम लोगों का इंडिया का तो 6 पॉइंट हो जाती है, एंड भाई यहाँ पर पाकिस्तान का तो भाई 1 पॉइंट है, देखते किया स्पोर्टेज चढ़ पाती। ओ भाई किया स्पोर्टेज चढ़ गई भाई लास्ट गाड़ी भाई किया स्पोर्टेज, लेकिन भाई साहब यहाँ पर दिक्कत दे रही है गाड़ी, फिलहाल ऐसे तो नहीं चढ़ेंगे। तो ऐसे देखते हैं भाई पावर देके क्या गाड़ी भाई पावर देके भी चढ़ नहीं पा रहा आप लोग देख सकते हो। ओ भाई नहीं भाई नहीं हो रही है भाई, हो रही है भाई, हो रही है भाई, नहीं भाई नहीं हो रही है भाई, मतलब टायर स्लिपरी हो रही है। तो ये गाड़ी भी फेलियर लिस्ट पे आ जाती है, बहुत सारा गाड़ी पाकिस्तान का फेल हो जाती है। तो इंडिया जीत जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं कहता रहता हूँ भाई कि हारना जितना लगे रहेगा आप लोग भाई दिल पे मत लेना, सिर्फ इंजॉय करना आप लोग। तो गाइज आज के लिए वीडियो से भी इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला भाई लोग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो पे, सो टाटा बाय बाय।